चंद्रयान 3 से चांद के दक्षिणी ध्रुव का हैरतअंगेज सफर कर इसरो अंतरिक्ष विज्ञान में सफलता की नई परिभाषा तो पहले ही लिख चुका है। अब इसरो का चंद्रयान 4 हिंद का मस्तक और ऊंचा करने की तैयारी में है। दरअसल चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता के बाद इसरो अगले चंद्र मिशन की तैयारी में जुट गया है। चंद्रयान 4 को पहले के मिशन की तरह एक ही चरण में लॉन्च नहीं किया जाएगा, इसके बजाय इसे दो अलग अलग चरणों में लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत इसरो का अंतरिक्ष यान न सिर्फ चंद्रमा पर उतरेगा बल्कि वहां से चट्टान और मिट्टी के नमूने लेकर धरती पर वापस भी आएगा। चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने के लिहाज से भी यह अभियान बेहद महत्वपूर्ण होगा। चंद्रयान 3 में 3 हिस्से शामिल थे, लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल, जबकि चंद्रयान 4 मिशन में 2 और अतिरिक्त हिस्से होंगे जिन्हें चंद्रमा के नमूने जुटाने और उन्हें पृथ्वी पर लाने का काम सौंपा जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल ठीक चंद्रयान 3 की तरह अलग होने से पहले चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 4 को रास्ता दिखाएगा, साथ ही लैंडिंग में भी मदद करेगा। डिसेंडर मॉड्यूल चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की तरह ही चंद्रमा पर लैंड करेगा। एसेंडर मॉड्यूल एक बार नमूने इकट्ठे होने के बाद एसेंडर मॉड्यूल लैंडर से बाहर निकल जाएगा और पृथ्वी पर लौटना शुरू कर देगा। ट्रांसफर मॉड्यूल एसेंडर मॉड्यूल को चंद्रमा की कक्षा से बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार होगा। चट्टान और मिट्टी के नमूनों के साथ कैप्सूल के अलग होने से पहले ये पृथ्वी की ओर वापस आएगा। री एंट्री मॉड्यूल कैप्सूल चंद्रमा के चट्टान और मिट्टी के नमूनों के साथ पृथ्वी पर उतरेगा। साथ ही चंद्रयान 4 मिशन के 5 हिस्सों को एक साथ लॉन्च नहीं किया जाएगा। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि भारत का सबसे भारी प्रक्षेपण यान LVM-3 3 हिस्सों के साथ लॉन्च होगा, जिसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल, डिसेंडर मॉड्यूल और एसेंडर मॉड्यूल शामिल होंगे। इन्हें चंद्रयान 3 मिशन की तरह ही लॉन्च किया जाएगा, जबकि ट्रांसफर मॉड्यूल और री एंट्री मॉड्यूल को PSLV पर लॉन्च किया जाएगा। दरअसल भारत के चंद्रयान 3 की बदौलत ही इतिहास में पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के बारे में पता चला था। चंद्रयान 3 के लैंडर पर लगे पेलोड ने चंद्रमा की सतह के तापमान की प्रोफाइलिंग भी की थी, जिसके बाद वैज्ञानिक तक हैरान थे।